हेलो स्टूडेंट, स्वागत कर फिर से केमिस्ट्री फर्स्ट की। यहाँ पे मैं मॉडल पेपर देने वाला हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे दो मॉडल पेपर देने वाला हूँ जो कि इस बार इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो इन दोनों मॉडल पेपर को आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें बहुत अधिक क्वेश्चन फंस सकते हैं। वो कौन कौन से मॉडल पेपर है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पीडीएफ फाइल कैसे ओपन करते हैं, उसके बाद क्योंकि पीडीएफ फाइल में ही मैं मॉडल पेपर देने वाला हूँ और यहाँ पे भी दिखाने वाला हूँ। जिसको पीडीएफ फाइल से देखना है वो पीडीएफ फाइल देखे, जिसको यहाँ पे देखना है वो यहाँ पे देखे, दोनों आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले बता देते हैं कि यहाँ पे कैसे है और पीडीएफ फाइल में आप जाकर पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन को आप दिखा दिया है। यही चीज पीडीएफ फाइल में यदि पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि कैसे कैसे डाउनलोड करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन सभी क्वेश्चन को आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आप पीडीएफ फाइल नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तब तो इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा और इसकी तैयारी कर लीजिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। देखिये मैंने जो बताया था प्रगलन किस भट्टी से किया जाता है ये देखिए पूछा गया है, लेफ्ट राइट अंकुशन क्या है ये भी पूछा गया है। तो जो जो मैंने अभी तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया वो यहाँ पे मिल गया है। अगर इधर आते हैं तो इधर भी समझ लीजिए, जैसे देखिए इधर है पेप्टीकरण व स्कंद में अंतर उदाहरण सहित समझाइए, ये भी मैंने बताया था अभी इसके पहले ही वीडियो में। और देखिए इसमें क्या क्या है, सिम समावयवता है, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है ये फर्स्ट पेपर के ही मिलाकर पूछे गए हैं। अगर आते हैं और नीचे तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया उदाहरण देकर समझाइए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछता है अक्सर। या अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, ये दो दो नंबर क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से किसी एक को करना होता है। या ये देखिए मैंने एक बार बताया था अगले वीडियो में किसी में, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है या इसका समीकरण दीजिए, मैंने इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताया था। देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया है डीकन विधि द्वारा या ब्राड, इन दोनों को भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये तीन तीन नंबर के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहला मॉडल पेपर तो दिखा दिया, चलिए दूसरे मॉडल पेपर को दिखा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहला मॉडल पेपर आपको दिखा दिया है, पहले मॉडल पेपर को आप इस तरह से देख लिए हैं। और पीडीएफ फाइल दूसरे को भी पाने के लिए पीडीएफ फाइल में आप जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और यहाँ पे भी मैं दिखाने वाला हूँ जो कि सेकंड मॉडल पेपर है। तो देखिए सेकंड मॉडल पेपर में पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, और उसके बाद पोटेशियम, फिर इस तरह से पूछे गए हैं। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप देख लीजिएगा कौन कौन से बार बार पूछे गए हैं। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया कितनी बार पूछे गए उदाहरण समझाइए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को तो आपको पढ़ ही लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। और अगर आगे आते हैं तो इसके इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है, इसके पहले मैंने अभी क्वेश्चन पहले मॉडल पेपर में बताया था ये तीन नंबर के क्वेश्चन में, इसमें देखिए दो नंबर के क्वेश्चन में आया। तो पहले जो रासायनिक बलगतिकी है उसमें से आपको तैयार कर ही लेना है, इलेक्ट्रोड विभव प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये सब कर ही लेना है। यहाँ पे मैंने यहाँ तक दिखा दिया, अब आते हैं इस साइड पे पांचों क्वेश्चन से आपको दिखा देते हैं कि और कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण पूछते हैं। तो देखिए प्रकाशिक संभाव्यता क्या है इसके बारे में भी पूछता है, या ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए, संतुलित भी करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, और देख लेते हैं इसमें लास्ट में कौन कौन से अधिक मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे तीन नंबर वाले हैं। देखते हैं तीन नंबर वाले, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा या हेवर विधि द्वारा, इसका मैंने अभी वीडियो हाल ही में बनाया है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि इसका कैसे हल होता है। तो ये तीन तीन नंबर के आप हमेशा ध्यान से समझिएगा क्योंकि तीन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें दो से दो नंबर आपको मिल ही मिलना है। तो चलिए मैंने दो मॉडल पेपर आपको दिखा दिया, दो मॉडल पेपर को तैयार करके जाते हैं। तो हमें उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे अच्छा से अच्छा मार्क्स आप पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।